सेव होती है और वो कैलेंडर पे आपको भी नजर आएगी और मुझे भी नजर आएगी। अगर रिकॉर्डिंग से पहले आप अटेंडेंस मार्क करेंगे तो वो सेव नहीं होती, फिर उसका रिकॉर्ड नहीं रहता। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है तो अब आप लोग अटेंडेंस मार्क करें अपनी। हाँ जी, आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग लास्ट लेक्चर, यू मे आस्क प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। नो सर। इसका मतलब है आपकी क्लास बहुत इंटेलिजेंट है, या फिर इसका मतलब है कि किसी ने पढ़ाई नहीं। हाँ जी, कहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था? ये हमने कर लिया था ना डिस्कस। यस सर। हाँ जी, तो कौन रिवाइज करेगा प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा था? दो तीन स्टूडेंट्स इकट्ठे भी कर सकते हैं या अलग अलग सीक्वेंस में कर सकते हैं, कोई भी जिन्होंने पढ़ा हो वो रिपीट कर दें पिछला लास्ट लेक्चर। सर मैं अब तो हाँ जी, हाँ जी, बताएं। हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे, उनके क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, उनके सोर्सेज पढ़े थे, उनके फंक्शंस पढ़े थे। अरे मैं ना कि पास देखिए हाँ जी, तो क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ये बताएगा? सर, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स मीन हाइड्रेटेड कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाँ जी, ठीक है। इनका फार्मूला है CH2O(N), और फिर इनकी क्लासिफिकेशन हम ये सेक्रोन से निकले हैं। सेक्रोन का मतलब होता है शुगर, तो कार्बोहाइड्रेट्स की सेंस में शुगर यानी कि वो चीज़ें जिनसे हम मीठा वगैरह इस तरह चीज़ें हासिल करते हैं। और जी इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी हमने, इसमें मोनोसेक्राइड होते हैं जिनमें 3 to 7 कार्बन होते हैं। फिर हमने ऑलिगोसेक्राइड पढ़े थे, उनमें अप टू 10 होते हैं। और फिर पॉलीसेक्राइड पढ़े थे, पॉलीसेक्राइड मोनोमर्स होते हैं मोनोसेक्राइड के। ठीक है। और मोनोसेक्राइड में हमने जो मोस्ट कॉमनली जो
एग्जाम्पल वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की हम पढ़ते हैं, ओलिगोसैकेराइड में हम सुक्रोज को पढ़ते हैं ज्यादा, और पॉलीसेकेराइड में फिर स्टार्च आ जाता है, ग्लाइकोजन आ जाता है और सेल्यूलोज आ जाता है। सही है। हाँ जी, सही और है। सर, कोई स्टूडेंट? सिंथेसाइज बाय प्लांट बाय फोटोसिंथेसिस, ये एनर्जी प्रोवाइड करती हैं और एनर्जी स्टोर करती हैं प्लांट में ये स्टार्च के फॉर्म में, और एनिमल्स में ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करती हैं। ये कार्बन सप्लाई करती हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड्स, और ये हाँ सेल्स जी और स्ट्रक्चर कंपोनेंट है। ठीक है। हाँ जी, और कोई स्टूडेंट? हमने और भी एक दो चीजें पढ़ी थी। हाँ ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। जी, और सर, अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन नेचर हैं ये। हाँ जी ठीक है। सर, और कार्बोहाइड्रेट्स में वो वाली शुगर जो हमारे ब्लड में पाई जाती है वो ग्लूकोज है, जिसकी अमाउंट 0.08% है। ठीक हो गया। अच्छा, जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे आप लोगों से लेक्चर के दौरान, आप लोगों ने उन क्वेश्चंस के आंसर्स सर्च किए, ढूंढा आप लोगों ने उसको? सर, उसके आंसर तो हमने साथ साथ ही कर दिए थे। सर, हाँ जी, साथ साथ किए थे आप लोगों ने, और लेकिन वो कुछ थे बीच में जो इतने अच्छे उनके जवाब नहीं थे। अगर आप लोग उसको सर्च करते तो आपको उसका ज्यादा अच्छा आंसर मिलता। अच्छा जी, चलें, खैर, हम नेक्स्ट अगला लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स, एंड यू नो दैट द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स विच आर प्रेजेंट इन अ शुगर मॉलिक्यूल, दैट इज थ्री। वी रिमेम्बर द एग्जाम्पल दैट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड ग्लिसरल्डिहाइड थ्री। इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट दैम। दिस इज द ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। दीज आर द स्मॉलेस्ट शुगर मॉलिक्यूल्स, एंड दीज टू शुगर मॉलिक्यूल्स कॉन्टेन मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स आर थ्री। सो इफ वी क्लासीफाई द मोनोसेक्राइड्स, इफ अ शुगर मॉलिक्यूल कॉन्टेन थ्री कार्बन्स, वी कैन कॉल दिस शुगर मॉलिक्यूल जनरली आ ट्राइओज शुगर। सो द ट्राइओज शुगर्स आर दोज मोनोसेकेराइड्स विच कैरी द थ्री कार्बन एटम्स, एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्राइओज शुगर्स, एंड दीज टू ट्राइओज शुगर्स बेसिकली आर ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। वी स्टडीड द स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज शुगर्स इन द प्रीवियस लेक्चर। दिस इज द आल्डो शुगर एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन इज द कीटो शुगर, एंड वी नो दैट दिस आल्डो शुगर वुड हैव एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, एंड दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ, एंड वन साइड ऑफ दिस कार्बन वुड हैव हाइड्रोजन एंड अदर साइड ऑफ दिस कार्बन वुड हैव द
दिस इज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, एंड इन केस ऑफ डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन इन केस ऑफ कीटो ट्रायोज बिकॉज इट इज हैविंग द कीटोन फंक्शनल ग्रुप, इन दैट केस द कीटो ट्रायोज शुगर बेसिकली इट वुड हैव सी डबल बॉन्ड ओ, and this C double bond O would carry the carbon here and other side again carry the carbon. Now this is ketone functional group, this is a keto sugar. Now the tetroses are those monosaccharides which carry four carbon atoms in them, and example is erythrose, and this is the keto aldose sugar molecule. It would have aldehyde functional group, and erythrolose is the keto, it is the keto sugar, keto tetrose sugar, it would carry the ketone functional group. Then we know that the pentoses, they would carry the five carbon atoms in them, and example is ribose, and again we know that ribose is a aldose sugar, and ribulose, it will be a keto sugar. Next example is hexoses, and hexoses, we know that they would carry the six carbon atoms in them, and these six carbons, you know, the examples are glucose, we studied the structure, galactose, mannose, and fructose. And right now, these first three sugar molecules, these are the first three up to mannose, these sugars are aldose sugars, and we know that they carry the aldehyde functional group, and fructose is a keto, it would carry the ketone functional group. These are the examples of monosaccharides. Here these are the structures of the sugars we just studied. This is the ribose, and we have the ribulose as well. This is the ribose, this is five carbon sugar, and here in this sugar, this is the carbonyl functional group, and right here it is hydrogen on one side of carbonyl, and this is the carbon on the other side of the carbonyl functional group. It is aldehyde, it would be aldo functional group. And this is the carbon on one side of the carbonyl functional group, and this is another carbon on other side of the carbonyl carbon. This is the keto. So this is the ribose sugar, and in ribose sugar there will be five carbon. We know that ribose carry the five carbon atoms, and this is the molecular formula of pentose sugar, and here we have hydroxyl groups on the right side of the carbon chain. There is no hydrogen on the right side in case of ribose. And again, if we talk about ribulose, both ribose and ribulose are isomers of each other. Both are isomers of each other. They would have the same molecular formula, but there is a minor difference in the structure. The difference is in the functional group. It would carry the ketone functional group, the carbonyl carbon, this is the carbonyl carbon, and it would carry the carbon on both sides of the carbonyl functional group. This is ketone. This is the minor difference between ribose and ribulose. That's why the structures of ribose and ribulose are different from each other. And if we move forward in next structure, this all these sugars are actually the isomers of each other. This is the isomer, glucose and galactose are the isomer of each other. Galactose and fructose, this is the fructose, these two sugars are isomer of each other. Right here, this glucose and fructose, again these are the isomer of each other. All these three isomers would carry the same molecular formula. This is the molecular formula of hexose sugar, C6H12O6. But all these three sugar molecules, this is the first isomer, this is the second isomer, this is the third isomer. All these isomers would have the different structures. And what is the difference in the structure? Here,
दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड द गैलेक्टोज. डिफरेंस इज प्रोमिनेंट विद द पर्पल कलर. हियर यू लुक इन टू द गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज. इफ वी गिव द नंबर टू द कार्बन एटम्स, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड कार्बन, दिस इज द थर्ड कार्बन, दिस इज फोर्थ कार्बन, दिस इज द फिफ्थ वन, दिस इज द फिफ्थ कार्बन एंड दिस इज द सिक्स्थ कार्बन. एंड लुक इन टू द ग्लूकोज, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, द सेकेंड कार्बन एंड दिस इज द थर्ड कार्बन एंड दिस इज द फोर्थ कार्बन. इन फोर्थ कार्बन देर इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन राइट साइड एंड इन केस ऑफ गैलेक्टोज देर इज हाइड्रोजन ऑन द फोर्थ कार्बन ऑन राइट साइड. दिस इज द डिफरेंस. थर्ड कार्बन इज द सेम एज इन ग्लूकोज एंड एज इन द गैलेक्टोज. दिस इज द सिमिलैरिटी. बट वाई दीज आर द आइसोमर्स एंड वाई द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, दैट इज ड्यू टू द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द फोर्थ कार्बन. दिस इज द फोर्थ कार्बन इन गैलेक्टोज एज वेल. And at this fourth carbon, look, there is hydrogen on the right side of the fourth carbon. But here, there is hydroxyl group on the right side of the fourth carbon. So this is the galactose. This is the structure of galactose. All other features are same as in the glucose, but the difference is only at the fourth carbon. So due to this difference, this is the galactose and that is the glucose molecule. And now the difference between galactose and fructose, that is due to the functional group. This is the ketone. This is the ketone functional group. And it would carry the carbon on both sides of the carbonyl functional group. And but in case of galactose, there is aldehyde. There is hydrogen on the one side of the carbonyl functional group. And here again, the hydrogen on the one side of the carbonyl functional group. So this is how we can differentiate between the aldo sugars and the keto sugars, and this is the difference between the isomers. So these are the examples of the monosaccharides. These are the triose sugars, these are the pentose sugars, and these are the hexose sugars. Now the phenomena of isomerism in monosaccharides. And we have already studied the definition of the isomerism or isomers. We know that the isomers would have the same molecular formula, but there will be the difference in the structures. The examples of isomers in case of hexose sugars. Here the examples are given with the reference to hexose sugar. Fructose, this is the isomer of glucose, glucose, mannose, galactose. These four sugar molecules are actually the six carbon sugars, and all these sugars are isomers of each other. And all these different structures would have the same molecular formula. This is the molecular formula. This is the phenomena of isomerism. And if we move to the next slide, there is another phenomena about the apimerism, and the sugar molecules which represent the phenomena of apimerism, they would be called apimers of each other. And we can define the apimers as carbohydrate isomers. It is necessary for the apimers should be the isomers of each other, right? Actually, the phenomena of apimerism fall into the isomerism. If two compounds, two structures are isomers of each other, they may be the apimers of each other as well, right? And now, if two substances, if two structures are apimers of each other, definitely they would be the isomers of each other.
नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एपिमेरिज्म, व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एपिमेरिज्म, दैट इज कार्बोहाइड्रेट आइसोमर्स दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन. व्हाट इज द मीन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन? कॉन्फ़िगरेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड द कार्बन. That will be the configuration, the position of the atoms around the carbon atom. That will be the configuration. So carbohydrate isomers that differ in configuration around only specific carbon atom. Such isomers which have different configuration around a specific carbon atom. Right, those isomers will be called the epimers of each other. Yes. Now the example is here. This is the example. Let's say we have two isomers, galactose and glucose. We already studied that the galactose and glucose both are the isomers of each other. Is galactose and the glucose both are isomers of each other, and we represent the isomers with a double head arrow in both directions. Right now this is the galactose and this is the glucose, and both are isomers of each other. Right now these galactose and glucose are also epimers of each other. Now how this glucose and galactose are epimers of each other, let's discuss the concept. We defined the epimers would carry the different configuration with the reference to a specific carbon. Right now how these two epimers have different configuration. Look into the carbon numbers. This is the carbon number 1, this is the carbon number 2, this is the carbon number 3, and this is the carbon number 4. Now with the reference to carbon number 4, this is the carbon 1, 2, 3, and this is the carbon number 4. Now with the reference to carbon number 4, in the galactose we already know that the glucose and galactose are epimers of each other, but now how they are galactose and glucose are isomers of each other, now how they are epimers. If we talk about carbon number 4, it is circled here in galactose and glucose. When you talk about the epimers, you will target a specific carbon number. Now here we are targeting on carbon number 4, right? If you look into the galactose, this is the galactose right here, this is the galactose. The fourth carbon has the hydroxyl group on left side, but in case of glucose, fourth carbon carry the hydroxyl group on right side. So this is the difference in configuration. This is the difference in the arrangement of the hydroxyl group. No doubt galactose have the hydroxyl group on the fourth carbon, glucose have the hydroxyl group on the fourth carbon, but what is the position of the hydroxyl group at fourth carbon? The position is different. So in glucose, hydroxyl group is present on the right side, and in galactose, hydroxyl group present on the left side. Now with the reference to carbon number 4, there is the difference in the configuration of hydroxyl group between galactose and glucose. Both are isomers, but with the reference to carbon number 4, there is the difference in the position of hydroxyl group. But only this difference is specific at
कार्बन नंबर 4. नाउ ड्यू टू द दिस डिफरेंस इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप यू वुड से दैट द ग्लूकोज एंड ग्लूकोज बोथ आर द एपिमर्स ऑफ ईच अदर एज वेल. दे आर द आइसोमर्स एज वेल एज दे आर द एपिमर्स ऑफ ईच अदर. एंड यू वुड से दीज आर C4 epimers. Why C4 epimers? Because the difference in the position of hydroxyl group is studied at specifically the carbon number 4. Any question up to this? Students, any question please? हाँ जी, आप लोगों को समझ आया? यस सर. हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो यहां तक? हाँ जी, अक्सा युग ने हाथ खड़ा किया. हाँ जी बताएं अक्सा. नो सर, मैंने नहीं किया, वो कहीं पहले का है. अच्छा सर वैसे मतलब कि एपिमर का कंसेप्ट क्यों लेना जरूरी है? आइसोमर से भी तो पता चल ही जाता है कि उसको ज्यादा आगे डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए एपिमर का कंसेप्ट लेते हैं हम. हाँ जी, एपिमर्स जो आइसोमर है ना, उसमें हम कह देते हैं कि इनके स्ट्रक्चर्स के अंदर डिफरेंस है. ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफरेंस है उसकी तो हमने बात कर ली. उसमें हम एक स्पेसिफिक कार्बन के ऊपर डिफरेंस नहीं देखते आइसोमर के अंदर. आइसोमर के अंदर हम एक स्पेसिफिक कार्बन के रेफरेंस से डिफरेंस नहीं देखते. ठीक है, लेकिन जब हम एपिमर की बात करते हैं तो हम एक स्पेसिफिक कार्बन की बात कर रहे होते हैं, और उसके साथ साथ हम उसी कार्बन के ऊपर मौजूद जो ग्रुप्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे होते हैं कि उनकी अरेंजमेंट क्या है उस कार्बन के अराउंड, किस साइड पर है वो. ठीक है, जैसे यहां पर एक OH लेफ्ट साइड पे और एक OH राइट साइड पे. तो एपिमर के अंदर हम एक स्पेसिफिक कार्बन के रेफरेंस से डिफरेंस देखते हैं, और डिफरेंस भी किस में देखते हैं? कॉन्फ़िगरेशन में. तो इसलिए आइसोमर के अंदर हम एक स्पेसिफिक कार्बन की बात नहीं कर रहे होते. उसके अंदर किसी भी कार्बन पे अगर डिफरेंस हो तो हम कहते हैं कि ये आइसोमर है. हम सिर्फ ओवरऑल स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखते हैं. ठीक है, बहुत सारे आइसोमर ऐसे हैं जो आइसोमर तो होते हैं लेकिन एपिमर नहीं होते. ठीक है, लेकिन ये बात याद रखनी है कि हमेशा जो एपिमर्स होंगे वो डेफिनेटली आइसोमर भी होंगे एक दूसरे के. हर आइसोमर एपिमर क्यों नहीं होता? वो एक ही बात ही नहीं हो जाती? जब आइसोमर ही बन गया तो फिर डिफरेंस कहीं ना कहीं पे तो आएगा ना. कहीं ना कहीं तो डिफरेंस आता है. ठीक है, क्योंकि वो आइसोमर है. आइसोमर वो है ही इसलिए कि कहीं ना कहीं डिफरेंस है. ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, लेकिन एपिमर में हम डिफरेंस एक स्पेसिफिक पॉइंट पे देखते हैं. ठीक है, एपिमर में डिफरेंस हम एक स्पेसिफिक कार्बन नंबर पर देखते हैं, और वो डिफरेंस भी क्या देखते हैं? कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस. अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. वो आइसोमर हैं लेकिन वो एपिमर नहीं. वो कौन सी एग्जांपल है? वो एग्जांपल है हमारे पास, यही जो डायग्राम आपके पास है इसी डायग्राम में वो एग्जांपल बनती है. सर इट्स मीन सारे एपिमर्स. कौन सी डायग्राम? हाँ जी, वो कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ. ये देखें, अगर आप देखें ये गैलेक्टोज. ठीक है, ये गैलेक्टोज हमारे पास है. अच्छा, अब ये आइसोमर है मैनोज का. मैनोज का आइसोमर है लेकिन ये मैनोज का एपिमर नहीं है. ये सिर्फ आइसोमर है. देखें, ये दोनों गैलेक्टोज और मैनोज, ये दोनों सिर्फ क्या है? एक दूसरे के
आइसोमर, दे आर नॉट एपिमर्स। देखें अब इसमें डिफरेंस है, लेकिन अगर आप एक टिपिकल कार्बन, एक स्पेसिफिक कार्बन नंबर की बात करें और उसके बाद उस पे मौजूद एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। आइसोमर ये होंगे, आइसोमर ये हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन एक कार्बन के ऊपर इनमें डिफरेंस हमें जो है वो नहीं मिलेगा। देखिए गैलेक्टोज और मैनोज, तो ये वाला जो डिफरेंस है वो हम इस तरह से नहीं कर सकते। सर कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंस है नहीं, गैलेक्टोज में राइट साइड पे हाइड्रोक्सल है और मैनोज में राइट साइड पे हाइड्रोजन। जी सर, इसमें है तो सही। और सर फिर कार्बन नंबर 4 पे भी डिफरेंस आ रहा है। हाँ जी स्टूडेंट्स, मिला आपको एपिमरिज्म इन दोनों में, गैलेक्टोज में और मैनोज में? यस सर, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 पे। एपिमरिज्म है, यस सर है, कार्बन नंबर 2 और सर 4 पे नजर आ रहा है। 4 कार्बन नंबर 2 और 4। कार्बन नंबर 2 किसका? कार्बन नंबर 2 ग्लेक्टोज के कार्बन नंबर 2 के राइट साइड पे हाइड्रोक्सल है और मैनोज के राइट साइड पे हाइड्रोजन है। सर हो गया डिफरेंस। डिफरेंस तो है, और कार्बन नंबर 4 पे भी ऐसे है, कार्बन नंबर 4 के गैलेक्टोज के राइट साइड पे हाइड्रोजन है और मैनोज के राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल है।
सेम सेम कार्बन का डिफरेंस बन रहा है सर, आइसोमर के साथ ये एपिमर भी लग रहे हैं। अरे मैं, आप जब बोलेंगे ना तो मैं उसको पॉइंटर के साथ उसको करता हूँ। हाँ जी, गैलेक्टोज में कार्बन नंबर आप बोल रही हैं टू। कार्बन नंबर टू, हाँ जी, ये कार्बन नंबर टू। ओ, ये तो ब्लैक ही हो गया। एक मिनट, हाँ जी, कार्बन नंबर टू पे आप कह रही हैं कि ये ओ एच है इसमें। जी। और नीचे मैं नोज पे आते हैं तो हाइड्रोजन है, कार्बन नंबर टू पे हाइड्रोजन है, और ठीक हो गया। कार्बन नंबर फोर पे आपने रेड से किया हुआ है, हाइड्रोजन है गैलेक्टोज में। नहीं, हम पहले इसकी बात सर कर सिर्फ लेते हैं एक कि कार्बन दूसरे का के डिफरेंस दूसरे आना पे। चाहिए ना। अब देखें, इसमें डिफरेंस तो है और ये आइसोमर भी है, लेकिन मैं कह रहा था कि गैलेक्टोज और मैनोज एपिमर नहीं है। अब ये एपिमर क्यों नहीं है? देखें, ये एपिमर इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात कर रहे हैं और इसमें आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो वो तो ग्रुप भी डिफरेंट हो गया ना। कार्बन तो सेम है, ठीक है, लेकिन आपने ग्रुप उसके जो है वो उसकी डिफरेंस उसकी जो है वो डिफरेंस की बात कर दी, ग्रुप और हो गया। सर फिर मुझे समझ नहीं आ रही, फिर ग्लूकोज और गैलेक्टोज में भी कार्बन नंबर फोर पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल का डिफरेंस था। हाँ जी, इसमें एक्सक्यूज आप मी ये सर, कह सकते हैं, डिफरेंस आप ऐसे बता सकते हैं। आप देखें, डिफरेंस आप एक और तरीके से बता सकते हैं, वो बताएं कैसे, एपिमरिज्म साबित करने के लिए। मैंने नहीं बताना वो। सर एपिमर्स का हम लोग एट ए टाइम स्पेसिफिकली ओनली वन कायरल कार्बन पे हम डिफरेंस बताते हैं, कि अगर हम लोग लैक्टोज और मैनोज की बात कर रहे हैं तो इसके कार्बन नंबर टू पे भी डिफरेंस आ रहा है और कार्बन नंबर फोर पे भी। इस वजह से ये आइसोमेरिज्म है, ये एपिमर्स नहीं है। एपिमर्स के लिए बात करने के लिए सिर्फ एक कायरल कार्बन पे डिफरेंस आना चाहिए, यहाँ पे तो हाँ जी, दो दो आ रहे हैं। हाँ जी, तो देखें, तो इसको सिर्फ एक कार्बन होगा और वो सेम कार्बन होगा, ठीक हो गया, एक ये बात हो गई। और दूसरा ये होगा कि इसके अंदर हमेशा आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि आप सेम ग्रुप की बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक पे आप OH की बात कर दें तो दूसरे पे आप हाइड्रोजन की बात कर दें, ठीक है, और एक कार्बन पे वो डिफरेंस आएगा, ठीक हो गया। और यहां पर हमारे पास एक कार्बन नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब जो मैंने एग्जाम्पल आपको दी जिसके ऊपर लिखा है C4 एपिमर, इसके अंदर देखें, जो C4 वाला एपिमर है इसके अंदर देखें, सारे कंपाउंड को अगर आप देखें तो कहां पे डिफरेंस मिल रहा है आपको? बाकी सब कुछ उसमें सेम है, कार्बन नंबर ठीक है फोर ना। पे, कार्बन नंबर फोर पे सर हाँ जी, और डिफरेंस कहां पे मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन फोर पे। फोर हाँ पे, फोर जी, पे। और उसमें हम बात भी सिर्फ OH की कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हम OH की बात कर रहे हैं और यहाँ पे भी OH की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक साइड पे हमने OH की बात की तो दूसरी साइड पे हमने हाइड्रोजन की बात की, सेम ग्रुप की बात करेंगे। बाकी सब कुछ देखें उनका क्या है, सेम है, सेम, बाकी सारी चीजें उनकी क्या एक्सक्यूज मी है, सेम है, नेक्स्ट और क्लास। कुछ भी डिफरेंस, जरा भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये अब ये हमारे पास क्या होंगे, एपिमर्स, ठीक हो गया। अब देखें दूसरा एपिमर कहां पे नजर आ रहा है, ये C2 एपिमर, इसमें भी देखें, इसको भी स्टडी करें C2 वाले को। C2 कौन कौन से हैं? C2 पे हमारे पास एक ग्लूकोज है, C2 एपिमर एक ग्लूकोज है ये, और दूसरा मैनोज है। देखें, इसमें आपने देखना है OH, इसमें सेकंड कार्बन पे OH राइट साइड पे है, मैनोज में सेकंड कार्बन पे OH लेफ्ट साइड पे। बाकी सब कुछ देखें उसमें क्या है, सेम है, यस सर, ठीक है। तो अब ये एपिमर होंगे और हम इसको क्या कहेंगे, ग्लूकोज एंड मैनोज दीज आर C2 एपिमर्स। C2 एपिमर, C2 बोलने से हमें
कंफर्म हो जाते हैं, हम प्रोमिनेंट कर देते हैं कि इस कार्बन की वजह से ये एक दूसरे के एपिमर हैं, ठीक है। तो जो एपिमर्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के आइसोमर होंगे, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि जो आइसोमर हो वो एक दूसरे के एपिमर भी हो, ठीक है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन जहां तक आप लोगों का? सर हमारी नो नेक्स्ट सर, क्लास मैं तो आ है। गई। हाँ जी, ठीक है, चलें जी, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।